हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल माय पेट्स एंड पॉप पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है बेबी बनी से रिलेटेड। मेरी फीमेल रैबिट ने दो बेबी बनीज डिलीवर की है कुछ दिन पहले, जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है। तो मैं किस तरीके से समझती हूँ, उसके पेट अभी, स्टमक अभी खाली है, उसको फीडिंग की जरूरत है। जो हैंड फीडिंग करवाते हैं उसके लिए वीडियो नहीं है, जो फीमेल रैबिट से ही उसके बच्चों की फीडिंग करवाती है। तो कब तक फीडिंग करवानी चाहिए, किस तरीके से आपको पता चलेंगे कि उसकी स्टमक फुल हो गई है, वो सब आज मैं आप लोगों को डिटेल्स में दिखाऊंगी एंड समझाऊंगी, ताकि आप लोगों को आगे चल के कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो। जो मेरी एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आए मेक श्योर एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मेरी और एक न्यू चैनल है जिसमें मैं व्लॉग्स वगैरह में अपलोड करती हूँ, हेयर केयर टिप्स, ब्यूटी टिप्स, जो भी होती है, हैक्स होती है, वो मैं शेयर करती रहती हूँ। तो जाके जरूर एक बार विजिट कीजिए। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। नीचे आप लोगों को उस चैनल नेम भी मेंशन होंगे जरूर। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो मेरी फीमेल रैबिट ने, यानी कि मेरी बनी ने जो बच्चे डिलीवर की थी, अभी उसका एज करीब करीब एक हफ्ते हो गए है, पहले से थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है। तो आप लोग ज़रूर प्रे करना कि बच्चे ऐसे ही हेल्दी रहे। और गाइस, डे वन से लेके डे 30 तक जो भी ग्रोइंग प्रोसेस होंगे मैं बहुत जल्द एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो में जो मेन टॉपिक है वो है बच्चे की फीडिंग प्रोसेस, जब बच्चे भूखे रहते तब से लेके पूरे जब तक ना फीडिंग हो जाए, स्टमक फुल हो जाए बच्चों की, तब तक की पूरी प्रोसेस में वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो गाइस, बच्चों को दिन में आप लोग दो से लेके, कम से कम दो बार से लेके आप लोग तीन से चार बार तक आप फीडिंग करवा सकते हो। दो बार जो है नॉर्मली जो वाइल्ड रैबिट होते हैं, दिन में एक बार करवाते हैं और शाम के टाइम में एक बार करवाते हैं फीडिंग, तो उससे बच्चे की पूरे जो भी फीडिंग की ज़रूरत होती है वो पूरे हो जाते हैं। लेकिन गाइज, अगर आपके पास रैबिट घर में है, आप लोग पाँच घंटे बाद बाद अगर आप देख रहे हो कि स्टमक खाली हो गई है, तो आप लोग जो है दिन में तीन बार भी फीडिंग, चार बार भी फीडिंग करवा सकते हो। सो गाइज, रैबिट की यानी कि बेबी बनीज की स्टमक फुल है या फिर खाली है, आप लोगों को कैसे पता चलेंगे? बच्चे की स्टमक अगर राउंड शेप में हो, फुली हुई हो, तो आप लोगों को समझना है कि बच्चे की स्टमक अभी फुल है, उसको फीडिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गाइज, अगर आप लोग देख रहे हो बच्चे की स्टमक फुली हुई नहीं है, तो उसको चार पाँच घंटे हो चुके हैं फीडिंग नहीं करवाए हुए, तो आप उनको फीडिंग करवा सकते हो। और गाइस, मैं पर्सनली एक टिप्स देना चाहती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी फीमेल रैबिट अभी खाने में बिजी हो गई है, क्योंकि वो भी भूखे हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ बच्चों को फीडिंग करवाने के करवाने से पहले, एक घंटे पहले से मैं मेरी फीमेल रैबिट को खाना में नहीं देती हूँ, ताकि मैं जब बच्चों को फीडिंग करवाऊँ तो फीमेल रैबिट भी अपने खाने में व्यस्त हो जाए और मैं ईजिली उसको फीड करवा पाऊँ। तो बच्चे को आप देख सकते हो वो थोड़ी थोड़ी साइलेंट हो रही है, स्लो मोशन में मिल्क पी रही है। जब उसको बहुत ज़्यादा भूख लगेंगे वो बहुत ज़्यादा छटपटाएंगे, मिल्क पियेंगे बहुत जल्दी जल्दी, और जैसे जैसे उसका स्टमक फुल होते जाएंगे दो मिनट तीन मिनट बाद बाद, वो जो है धीरे धीरे अपने ही फीमेल रैबिट के नीचे वो सो जाएंगे अगर स्टमक फुल हो जाएंगे। तो यही साइन होती है अगर फीमेल रैबिट अपने बच्चों को मिल्क पिला रही है, तो पाँच मिनट में ये पूरे प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। पाँच मिनट के बाद आप देखेंगे बच्चे ऑटोमेटिकली वो फीडिंग करते करते वो सो गए हैं, यानी कि नॉर्मल इंसानों के बच्चों की तरह, जैसे पेट फुल हो जाने में बच्चे भी सो जाते हैं, नींद में हो जाती है, वैसे आप देख सकते हो ये बच्चे भी सो गए। तो यही प्रोसेस होती है, पाँच से छः मिनट की प्रोसेस होती है। पाँच से छः मिनट अगर कंटिन्यूसली आप मिल्क पिलाएंगे तो बच्चे की स्टमक फुल हो जाती है, राउंड शेप में हो जाती है। फिर से आप यही सेम प्रोसेस आप पाँच से छः घंटे बाद या फिर चार से पाँच घंटे बाद आप लोग कर सकते हो। तो और गाइस, और एक चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर आपके फीमेल रैबिट इतने इजीली बच्चों को फीड करवाने नहीं देती, देन आपको उसको पकड़ के रखना है। लेकिन गाइस, फोर्सफुली मत पकड़िएगा, ताकि फीमेल रैबिट को भी तकलीफ ना हो, वो आपसे डर ना जाए। बहुत ही हल्के हाथों से रिलैक्स कीजिए उसको, फिर उसको अच्छे हाथ से पकड़ के रखिए हल्के हाथों से, ताकि बच्चों को फीड करवा पाए। तो यही होती है पूरी प्रोसेस। और गाइस, अगर आप अकेले से इतना कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपकी रैबिट बहुत एग्रेसिव है, वो बच्चों को फीड नहीं करवा रहे हैं, तो दो पर्सन मिलके भी आप लोग फीमेल रैबिट को हल्के हाथों से पकड़ के आप बच्चों को फीड करवा सकते हो, ताकि बच्चे भागे ना, सॉरी फीमेल रैबिट ना भाग जाए। तो गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आए एक लाइक करना, और भी बहुत इंटरेस्टिंग से वीडियोज आने वाली है।